और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, जो टेक होम राशन पे जो एक बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 40 हजार करोड़ का जो भ्रष्टाचार जो टेक होम के नाम से और बालिकाओं के नाम से हुआ, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि सदन के अंदर सरकार चुनना नहीं चाहती, मैं लोकतंत्र के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अगर ये जो आंकड़े दिए हैं मेरी विधानसभा के, एक तो तीन बार मेरे सवाल लगाए, तीनों बार आंकड़ों को बदल दिया गया, एक बार 800 बताया गया, एक बार 1300 बताया गया, एक ही चीज के तीन तरह के आंकड़े दिए गए, और जब मैंने जानकारी चाहिए कि किस किस व्यक्ति के घर पे आपने टेक होम का राशन उस कोरोना काल के अंदर दिया ताकि मैं जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकूं, तो उन्होंने जिस तरीके के नाम दिए, तो मैं उसमें इनाम में जो अगर इस लिस्ट को पढ़ देगा, जो अगर बनाने वाला भी पढ़ देगा, क्योंकि ये जो जिस विभाग से आया है, अगर ये भी पढ़ दे तो उसे 100 क्विंटल लसन इनाम में देने का काम कर दूं, अगर कोई मेरा आग्रह भी है सदन के अंदर, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करा है कि अगर ऐसे सवाल के जवाब दे तो उसके साथ टेलीस्कोप भी दिया करें, ताकि टेलीस्कोप से हम कोशिश कर सके कि उनको पढ़ ले। और चुनौती है मेरी मुख्यमंत्री जी को, जिस सदन के अंदर उन्होंने इतने बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा नहीं होने दी, मैं इस लिस्ट के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि काला पीपल और साजापुर जिले की लिस्ट निकाल लो और आपके सारे अधिकारी और सारे मंत्रियों को मेरे साथ करो, मैं एक एक घर जाके पूछूंगा कि एक एक घर में 50 दिन तक राशन किस किस के घर पहुंचा, अगर राशन पहुंचा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार को, क्योंकि नैतिकता तो इनमें बची नहीं है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत बची हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और जो ये 40,000 करोड़ का घोटाला है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जिसे लूट सके तो लूट योजना करी। हम सदन में चाहते हैं, हमने स्थगन लगाए, स्थगन पे चर्चा नहीं करना चाहते, सदन में जवाब मांगते हैं तो जवाब देना नहीं चाहते, सड़क पे आंदोलन करते हैं तो पुलिस के माध्यम से केस लगाने का काम करते हैं, पर लोकतंत्र के सजग पहरी के रूप में हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मीडिया इस बात को दिखाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसमें लूट सके तो लूट योजना, लगभग 40,000 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर ये राशन घोटाले के अंतर्गत हुआ है।